नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आस्तिक स्पिरिचुअल सीक्रेट्स की दुनिया में। हर सोमवार की तरह आज भी हम लेकर आए हैं हिंदू धार्मिक और पौराणिक देवी देवताओं से जुड़ी अहम जानकारी। हनुमान जी बंदर थे या कुछ और? वाल्मीकि रामायण में बहुत से विचित्र दिखने वाले पात्रों के बारे में लिखा गया है जो इंसानों से बिल्कुल अलग थे, जैसे जामवंत जिनका आधा शरीर भालू जैसा था, या जटायु जिनका आधा शरीर चील या बाज जैसा था, और हनुमान जी जिनका चेहरा इंसानों से बहुत अलग था। वाल्मीकि रामायण में वानर शब्द का प्रयोग इन सभी को दर्शाने के लिए किया गया है, लेकिन वानर शब्द का गलत मतलब निकाला गया है। वानर को बंदर की संज्ञा देकर हनुमान जी को भी सभी हिंदू बंदर मानने लगे। इस पाप से बचें और अपने परम पूज्य संकट मोचन हनुमान जी के बारे में सही और पूरी बातें जानने के लिए इस वीडियो को जरूर देखें। और यदि आप नए हैं तो हमारे इस वीडियो को अभी लाइक कर लीजिए। आज हम रामायण में बताए गए तथ्य और वैज्ञानिक तथ्यों के बीच समानता बताएंगे। आज के बाद अगर कोई हनुमान जी को बंदर कहकर मजाक उड़ाए तो उन्हें यह वीडियो जरूर सेंड कर देना। कृपया कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें। आपके ऐसा करने से यह वीडियो वायरल होगा और सभी को दिखेगा और हमारे सभी हनुमान भक्तों को उनके बारे में सबसे अहम बात पता चलेगी। ऋषि वाल्मीकि ने रामायण में चार सूंडों वाले हाथी की बात की है जो रावण की सेना में थे, और वैज्ञानिकों के मुताबिक चार सूंड वाले हाथी 16 लाख से 1 करोड़ 20 लाख साल पहले इस धरती पर थे। यानी कि राम और रावण का युद्ध कम से कम 16 लाख साल पहले तो हुआ था। रामायण में वानर शब्द का जिक्र बहुत बार आता है। रामायण में वानर सेना ने रावण से युद्ध जीतने में श्री राम की मदद की थी, लेकिन हम सभी ने वानर का गलत मतलब निकाल लिया है। वानर का सही मतलब होता है वन में विचरण करने वाला, ना कि बंदर। वानर को वनाचर भी कहते हैं। हनुमान जी भी वानर थे और जामवंत भी वानर थे। वानरों के पास असीमित शक्तियां होती थी। आप यह भी बोल सकते हैं कि वे सुपर ह्यूमन थे। पाराशर संहिता के मुताबिक हनुमान जी का जन्म तिरुमाला की पहाड़ियों में हुआ था, जो कि आंध्र प्रदेश में है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे और वैज्ञानिकों द्वारा की गई रिसर्च में यह पता चलता है कि दक्षिण भारत में आज से तकरीबन 40,000 से 5 लाख साल पहले और उससे भी पहले एक प्रजाति के लोग हुआ करते थे, जिनका नाम नियंडरथेलोइड्स था। इन लोगों की शारीरिक बनावट बिल्कुल हनुमान जी जैसी ही थी, आप खुद देख लीजिए। वैसे हनुमान जी से जुड़े और भी रहस्यमयी तथ्यों के बारे में आप हमारी वेबसाइट में पढ़ सकते हैं, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। इसी प्रकार जामवंत और जटायु भी वानर थे जो वन में विचरण करते थे और असीमित शक्तियों के स्वामी थे। इनकी शक्तियों का उल्लेख रामायण में मिलता है। अब अगर हम महान वैज्ञानिक डार्विन की थ्योरी को देखें तो उसमें प्राचीन काल में आधे इंसान और आधे जानवर वाले शरीर के लोगों का जिक्र किया गया है, जो कि अपने पैरों पर चलते थे, ठीक वैसे ही जैसे हम चलते हैं। डार्विन की थ्योरी में बताए गए समय काल और वाल्मीकि रामायण में बताए गए समय काल में बहुत समानता भी है। डार्विन ने अपनी थ्योरी में यह बात बताई है कि नियंडरथेलोइड्स और होमो सेपियंस लाखों वर्ष पहले एक साथ इस धरती पर थे। रावण की सेना में हमारे जैसे लोग यानी कि होमो सेपियंस थे, और राम की सेना में वानर यानी कि नियंडरथेलोइड्स थे। रामायण का युद्ध नियंडरथेलोइड्स और होमो सेपियंस के बीच लड़ा गया था। रामायण काल में वानर जिन जंगलों में रहते थे, वो जंगल आज के समय में आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में हैं। रामायण में हनुमान जी को रामबंत कहा गया है। रामबंत का अर्थ है श्री राम का अनुयायी। आज भी आंध्र प्रदेश के मुदी राजा कबीले के लोगों को बंत कहा जाता है। समय के साथ साथ वानर या वनाचर को बंजारों की संज्ञा मिली। आंध्र प्रदेश के जंगली इलाकों में रहने वाले लोगों को आज भी बंजारा ही कहा गया है। ये लोग उन्हीं वानरों की पीढ़ी के हैं जिनकी शारीरिक बनावट समय के साथ साथ हमारे जैसी होती गई। श्री राम अपने वनवास के दौरान सबरी से तिरुपति के पास पर्वत श्रृंखला ऋषिमुख में मिले थे। ऋषिमुख पर्वत किष्किंधा में वानर राज हुआ करता था। इस एरिया के आसपास के जंगल में ही वानर रहा करते थे। यह जंगल आज के समय में आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र की बॉर्डर के आसपास फैला हुआ है। जहां तक बंदर की बात है, वो एक जानवर है। हनुमान जी से उसका कोई संबंध नहीं। रामायण और वैज्ञानिकों की बात माने तो हनुमान जी
जामवंत और जटायु जैसे प्राणी वानर थे जिनके पास असीमित शक्तियां थी। आशा करते हैं इस वीडियो को देखने के बाद आप हनुमान जी को बंदर समझना और बोलना बंद कर देंगे। जो भी यह गलती करेगा उसे भी सही जानकारी देंगे। हमने इस वीडियो को पूरे वैज्ञानिक सबूतों के साथ बनाया है, इसलिए इस पर कोई कुतर्क नहीं कर पाएगा। कृपया जो भी इस वीडियो को देखे लाइक जरूर करे और कमेंट में जय श्री राम लिखे। आपके ऐसा करने से वीडियो वायरल होगा और सभी को दिखेगा और हमारे धर्म और हनुमान जी का कोई भी मजाक नहीं उड़ा पाएगा। नीचे शेयर की बटन दबाकर इस वीडियो को सभी व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर भेजें। हनुमान जी के बारे में इस बेसिक जानकारी को फैलाने में हमारी मदद करें और हम बाकी के सप्ताह के दिन भी अलग अलग भगवान से जुड़ी वीडियोस लाते रहेंगे। नए लोग अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। हमसे व्हाट्सएप पर जुड़ने के लिए इस समय दिखाए जा रहे नंबर पर मिस कॉल करें और हमारे दूसरे रोचक वीडियोस देखने के लिए इस समय आपकी स्क्रीन पर आ रहे वीडियो पर क्लिक करें।